नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इसेंशियल स्किल्स को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी भी पर्सन को अपना पर्सनैलिटी के बारे में क्लियर पता होना, क्लियर आइडिया होना कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, यानी किस में वो अच्छा है, कमजोरी वीकनेस क्या है, उसका विचार क्या है, बिलीव्स मोटिवेशन वैल्यूज में जैसे आपका पंक्चुअलिटी ऑनेस्टी, ठीक है, ये सारा वैल्यूज में आ जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, किसी भी पर्सन को अगर अपना पर्सनालिटी के बारे में क्लियर पता रहना कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, थॉट्स क्या है, इसे क्या कहा जाता है, इसे सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी, ठीक है, जो आपका आइडेंटिटी को नहीं बताता है। तो आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी में जो हम लोग पढ़े थे, आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है सम ऑफ ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है, वैल्यूज, क्या आप पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, डिसलाइक लाइक, ये सारा क्या होता है, ये सारा आइडेंटिटी होता है। ठीक है, आइडेंटिटी में हमें रिलीजन नहीं लेना है, सिटीजनशिप नहीं लेना है कि हम यहाँ के हैं, मेरा रिलीजन ये है, ये सारा नहीं लेना है। आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी पर्सन का ओपिनियन, उसका ओपिनियन क्या है, वैल्यूज क्या है, क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, यही आइडेंटिटी होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कौन सा आइडेंटिटी नहीं है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, मार्क स्कोर इन एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में कितना स्कोर किए हैं, ये आपका आइडेंटिटी को नहीं बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड रिफर्स टू ए पर्सन, किसी भी पर्सन का बैकग्राउंड क्या होता है, किसी भी पर्सन का बैकग्राउंड होता है उसका एक्सपीरियंस, उसका ट्रेनिंग, उसका एजुकेशन, ये सारा चीज़ क्या होता है, किसी भी पर्सन का बैकग्राउंड होता है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेस आर द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड करियर। तो किसी भी पर्सन का जो क्वालिटी होता है या एबिलिटी होता है जिससे वो अपना लाइफ में या करियर में ग्रो कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे पर्सनल स्ट्रेंथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस आर द क्वालिटीज दैट आर कॉन्सिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्कड ऑन। ठीक है, तो पर्सनल वीकनेस क्या होता है, ये भी क्या है, ये भी क्वालिटीज है, एबिलिटीज है, लेकिन ये क्या है, ये नेगेटिव क्वालिटीज है, ये क्या करता है, आपको अपना गोल को अचीव करने से रोकता है। ठीक है, तो अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो क्या करना होगा, उसके ऊपर आपको काम करना होगा, अपना वीकनेस को दूर करना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पर्सनल वीकनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल वीकनेस, किसी भी पर्सन का वीकनेस क्या होता है, कॉन्फिडेंस, बींग लेजी, हार्ड वर्किंग, एक्टिव। तो दोस्तों बींग लेजी होना, ये क्या होता है, पर्सनल वीकनेस होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्स आर ऑफ टू टाइप्स, गोल दो टाइप्स का होता है, लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल यानी 10 साल के लिए, शॉर्ट टर्म गोल यानी आप इसको मंथली भी सेट कर सकते हैं, किसी भी गोल को वीकली, ईयरली, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल होता है। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस समझ लेते हैं, जब हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, यानी हम सेट फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं, तो ये सारा चीज़ अगर मान लीजिए बिना फिजिकल एग्जर्शन के, यानी मान लीजिए जैसे थकावट हम लोग अगर महसूस करते हैं, तो अगर हार्ड वर्किंग उस तरह का कुछ करेंगे तब थकावट महसूस होता है, लेकिन किसी टाइम बिना उस तरह का फिजिकल हम लोग कुछ किए ही नहीं है फिर भी हमें थका हुआ महसूस होता है। ठीक है, या फिर गुस्सा आता है, या फिर सेट फील हम लोग करते हैं, तो ये सारा चीज़ क्या होता है, ये सारा चीज़ स्ट्रेस होता है। सिंपल लैंग्वेज में इसे हम लोग टेंशन कहते हैं। तो इसी में आपको चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रेस है, तो जो डी ऑप्शन है, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन फील करना, और डिसअपॉइंटमेंट फील करना, ये क्या होता है, यही स्ट्रेस होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज व्हाट व्हिच ऑफ दिस इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। दोस्तों गुड स्ट्रेस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। गुड स्ट्रेस मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम है और उसका जो आपको स्ट्रेस होगा, उसका आपको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, तो आप क्या करेंगे, आप और पढ़ाई करेंगे, और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो ये क्या होता है, ये गुड स्ट्रेस होता है। बेड स्ट्रेस क्या होता है, बेड स्ट्रेस यानी मान लीजिए आपको टेंशन होगा और इससे क्या होगा, मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपको भाषण देना है, जैसे 15 अगस्त पार हुआ तो अगर आपको बोला जाए कि 15 अगस्त में भाषण देना है, ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करेंगे भाषण देने के लिए, लेकिन क्या होगा आप अपने आप में क्या होगा, आप क्वेश्चनिंग करेंगे, आपको अपने आप में डाउट होगा कि आप नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये बेड स्ट्रेस होता है, जो जिससे क्या होता है, ये आपको रोकता है अपना गोल को अचीव करने में, ठीक है। तो ये बेड स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, तो अगर आप गुड स्ट्रेस देखेंगे तो इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम परस्यूइंग योर गोल। तो जो गुड स्ट्रेस होता है ये आपको अपना गोल को परस्यू करने से रोकता नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, इट मेक्स यू डाउट योर सेल्फ। तो गुड स्ट्रेस कभी भी आपको अपने ऊपर क्वेश्चनिंग करने नहीं देगा, ठीक है। सी डी ऑप्शन क्या है, मेक्स यू फिजिकली इल और कॉजेस पेन। तो ये भी सही नहीं होगा, गुड स्ट्रेस से आपको बीमार जैसा महसूस नहीं होगा। जो सी ऑप्शन है, डज नॉट रिलेट टू लॉन्ग टर्म टेंशन। तो ये जो टेंशन होता है, गुड स्ट्रेस जो होता है, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है, गुड स्ट्रेस ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है और नींद का नुकसान नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि आपको नींद नहीं आएगा रात में, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, ये आपका क्या है, गुड स्ट्रेस का साइन को बताता है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस कैन बी कॉज स्ट्रेस। तो चार ऑप्शन में से कौन सा कारण है जिससे एक मिनट जिससे क्या होगा, जिससे आपको स्ट्रेस महसूस होगा, प्रेशर टू परफॉर्म इन एग्जाम, ठीक है। तो एग्जाम है, एग्जाम में, एग्जाम से पहले आपको प्रेशर होता है, ठीक है, तो इससे भी आपका आपके अंदर क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के बीच कभी कभी झगड़ा हो जाता है, तालमेल नहीं होता है, तो उससे भी स्ट्रेस होता है। लॉन्ग कम्यूट फ्रॉम होम टू वर्क, मतलब घर से बार बार, घर से ऑफिस तक बार बार आना जाना करना, इससे भी क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ये जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस इज ए साइन ऑफ बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस के बारे में हम बात किए, ये क्या करता है, गोल को परस्यू करने से रोकता है, ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, बीमार जैसा महसूस होगा, ठीक है। इससे आपको अपने ऊपर क्वेश्चनिंग करेंगे, आपके ऊपर अपने ऊपर डाउट होगा कि आप इस टास्क को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया स्ट्रेस बस्टर, तो इसको समझ लीजिए, स्ट्रेस बस्टर क्या होता है, जिससे क्या होता है, आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं या कम करते हैं ना, तो एक्चुअल में स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। तो स्ट्रेस बस्टर, जैसे मान लीजिए हम लोग गाना सुनते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, ठीक है, दोस्तों के साथ समय स्पेंड करते हैं, तो इससे भी हमें लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस हमारा कम हुआ, तो ये सारा चीज़ है। और जैसे हमारा जो भी डेली रूटीन होता है, डेली रूटीन जैसे टाइमली खाना खाना, टाइमली सोना, ये सारा चीज़ भी अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो भी इससे क्या होता है, स्ट्रेस, ये भी स्ट्रेस बस्टर का काम करता है, यानी स्ट्रेस को मैनेज करता है। तो यहाँ पर बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट स्ट्रेस बस्टर। तो आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेस बस्टर नहीं है। तो देखिए, गाना सुनना, इससे स्ट्रेस कम होता है। अगर गार्डनिंग करेंगे तो इससे भी स्ट्रेस कम होगा। गोइंग टू बेड ऑन टाइम, समय पर अगर मान लीजिए बेड पर चले जाते हैं तो ये भी क्या होता है, स्ट्रेस बस्टर होगा। स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, जो आपका प्रॉब्लम है अगर उसी के बारे में लंबा समय तक सोचेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, नहीं सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंडफुलनेस क्या होता है। माइंडफुलनेस मतलब किसी एक मोमेंट में, मतलब किसी समय क्या होता है, अपने आप को फुल्ली उसमें प्रेजेंट करना, ठीक है। इसका प्रैक्टिस भी होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी एकांत जगह में जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होगा, वहाँ पर आपको सीधा बैठना होता है, आँख बंद करना होता है, उसके बाद आपको पूरा पूरी फोकस करना है कि आप आपकी ब्रीथिंग के ऊपर, यानी सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो पूरा फोकस आपको उसके ऊपर करना है, बाहर का किसी भी चीज़ के बारे में आपको सोचना नहीं है। तो इससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। तो माइंडफुलनेस कहने का मतलब क्या है,
इट इज़ द एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन ए मोमेंट, यानी ये एक ऐसा एबिलिटी जिससे आप अपने आप को किसी काम में फुल्ली प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस के बारे में क्या सत्य है। तो स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन इसेंशियल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में इसेंशियल मतलब जरूरी स्टेप क्या है। ठीक है, टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट, जो अपना प्रवृत्ति है उसी को फॉलो करना है, या फिर टू थिंक डीपली अबाउट द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम के बारे में अगर आप और ज़्यादा सोचेंगे तो इससे आपका क्या होगा, ये सही स्टेप नहीं होगा सॉल्विंग के लिए। टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम टू ए हायर अप, तो अगर आप रिपोर्ट प्रॉब्लम करेंगे तो भी ये आपका सही नहीं होगा। ये क्या है, टू गैदर एंड एनालाइज डाटा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्टेप है, पहला क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर डाटा गैदर करना है यानी आप क्या जानते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में, फिर एनालाइज डाटा मतलब रूट कॉज पता करना, कारण पता करना, फिर इसका सॉल्यूशन डेवलप करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर टेस्ट करना, फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, ये स्टेप क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है इसको देखिए, तो जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप उतना ज़्यादा अच्छे किस में हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, प्रॉब्लम आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होंगे, बेटर होंगे। तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग डिसीजन, तो जब भी आप डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन आप बनाएंगे तो आपको ध्यान किसको देना है, योर पर्सनल प्रायोरिटीज को ध्यान देना है। पर्सनल प्रायोरिटीज मतलब क्या है, जैसे अभी आप क्या है, अभी आप स्टूडेंट हैं, तो जब आप कॉलेज आते हैं तो आपका प्रायोरिटीज क्या होता है, प्रायोरिटी आपको किसको देना, पढ़ाई को देना है। तो जब भी आपको कुछ डिसीजन लेना होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई दोस्त आपको बोलता है कि चलो जुबली पार्क जाना है, ठीक है, या फिर कोई मूवी देखने चलना है, तो जो आप डिसीजन लेंगे तो डिसीजन आपको किसको ध्यान में रखते हुए लेना है, आपका जो पर्सनल प्रायोरिटीज है, आप क्लास आएँ तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, तो आपको उसको ध्यान देना है। इसके बाद अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन क्या होगा, आपका अच्छा डिसीजन होगा, सही डिसीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ SWOT, ठीक है, SWOT, तो S से क्या होता है, स्ट्रेंथ, S से क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, W से वीकनेस होता है, O से अपॉर्चुनिटी होता है, T से थ्रेट होता है। ये हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़े थे। ठीक है, S से स्ट्रेंथ मतलब SWOT मतलब क्या होता है, ये अपने आप को एनालाइज करना कि आप किस में सही हैं, है ना। तो देखिए S से क्या होता है, स्ट्रेंथ, तो अपना स्ट्रेंथ को पता करना, ठीक है, क्या स्ट्रेंथ है, आप उस हिसाब से अपना करियर को चूज कर सकते हैं। W से वीकनेस पता रहेगा तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है, जैसे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़े थे, तो अपॉर्चुनिटी होता है कि आप नया स्टार्टअप शुरू करें। और T मतलब थ्रेट मतलब क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो ये स्टार्ट करने वाले हैं तो इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना होगा। ठीक है, तो SWOT का फुल फॉर्म क्या होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे तो क्या होगा। इम्पल्सिव डिसीजन करने का मतलब बिना सोचे समझे डिसीजन लेना। ठीक है, तो देखिए नेगोशिएशन, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, नेगोशिएशन मतलब क्या होता है, नेगोशिएशन मतलब समझौता करना। ठीक है, नेगोशिएशन मतलब समझौता करना। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपका दोस्त मान लीजिए आप क्लास आए हैं और आपको अगर बोलता है कि चलो क्लास नहीं करते हैं आज और मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए उसको अगर आप अपना पर्सनल प्रायोरिटीज को ध्यान देंगे तो आप क्या डिसीजन लेंगे, आप उसको बोलेंगे कि नहीं एक मिनट एक काम करो, क्लास पहले ख़त्म कर लेते, क्लास कर लेते, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मूवी देखने चलेंगे, या आप समझौता कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये बोलेंगे कि नहीं आज नहीं संडे को चलते हैं। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी समझौता होगा, तो इसी को नेगोशिएशन कहा जाता है। तो इसमें क्या बोला गया, इम्पल्सिव डिसीजन में लीड टू, इम्पल्सिव डिसीजन मतलब बिना सोचे समझे, तो इसमें आप अपना जो पर्सनल प्रायोरिटीज है इसको ध्यान नहीं देंगे और डिसीजन लेंगे। मतलब अगर आपका दोस्त अगर आपको बोले चलो मूवी देखने चलना है तो आप तुरंत बैग लेके निकल जाएंगे, तो यही होगा इम्पल्सिव डिसीजन। तो इससे क्या होगा, नो नेगोशिएशन, यानी आप
उसमें नेगोशिएशन तो नहीं करेंगे, समझौता तो नहीं करेंगे, जैसे बोला आप निकल गए तो आप समझौता तो नहीं किए, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट, आपको निराशा ही मिलेगा। अब पढ़ने आए हैं, मूवी देखने चले जाएंगे, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीजन बेस्ड ऑन योर पर्सनल प्रायोरिटीज। तो पर्सनल प्रायोरिटीज को अगर आप ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेंगे, जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें आप डिसीजन लेंगे कि नहीं आज नहीं, या फिर क्लास को ख़त्म होने देते हैं उसके बाद चलते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपका वाइज नेगोशिएशन होगा। वाइज नेगोशिएशन यानी समझौता वाला, सॉरी समझदारी वाला समझौता, है ना। तो वाइज मतलब समझदारी, ठीक है, तो समझदारी वाला समझौता होगा, तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटीज। तो इसमें आपको जो भी आपको एक्टिविटीज करना है, जो भी टास्क करना है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम को डिवाइड कर देते हैं कि मेरे को 20 मिनट ये करना है, 25 मिनट के बाद ये करना है, ये सारा चीज़ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर आप डिवाइड कर देते तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या सही है, तो पहला क्या है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो कम समय में आप अच्छा वर्क डन करेंगे, तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, टाइम मैनेजमेंट से क्या होगा, आप स्मार्ट तरीके से काम को करेंगे, ये भी सही होगा, ठीक है। यू विल बी एबल टू मीट डेडलाइंस एंड डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। डेडलाइंस करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपका टारगेट है रेलवे में जॉब करना, सपोज मान लीजिए लोको पायलट बनना है, टेक्नीशियन बनना है, तो अगर आप स्मार्ट तरीके से वर्क करेंगे यानी टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपका जो टारगेट है आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोमोडोरो टेक्निक इज ए सिस्टम दैट इनकरेज पीपल टू वर्क विद द टाइम दे हैव, सो व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक यूज्ड फॉर। तो दोस्तों पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है, पोमोडोरो टेक्निक होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए। पोमोडोरो ये टेक्निक का नाम इसलिए पड़ा, देखिए जो इन्वेंटर था, जो इस टेक्निक को इन्वेंट किया था, वो जो टाइमर का यूज करता था अलार्म सेट करने के लिए, वो टोमेटो सेप का था। किस सेप का था, टोमेटो सेप का था, ठीक है। और टोमेटो को इटालियन में पोमोडोरो कहा जाता है, इसलिए इस टेक्निक का नाम पड़ा पोमोडोरो। इन्वेंटर क्या करता था, 25 मिनट एक टास्क को करता था, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता था, फिर 25 मिनट और दूसरा टास्क को करता था, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता था, इस तरह से वो टाइम मैनेजमेंट करता था, ठीक है। तो ये पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, पोमोडोरो टेक्निक में आप अपना हैबिट बना सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक में क्या कर सकते हैं, आप हैबिट बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे उसी तरह से 25 मिनट में एक टास्क करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेकर फिर 25 मिनट में दूसरा टास्क करना है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना हैबिट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हैबिट बनाने के लिए किसी भी चीज़ को अगर हैबिट बनाना तो कितना दिन फॉलो करना होगा, तो 21 दिन। सपोज मान लीजिए आप स्मोकिंग करते हैं, तो अगर आप लगातार 21 दिन तक स्मोकिंग नहीं करेंगे तो ये आपका आदत छूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बजटिंग सेविंग इन्वेस्टिंग स्पेंडिंग आवर रिसोर्सेस वेल। यानी इसमें क्या है, सेविंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, स्पेंड करना है, ये सारा चीज़ किस में आता है, ये सारा चीज़ मनी मैनेजमेंट आता है। तो मनी मैनेजमेंट में सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। मनी मैनेजमेंट का 3 स्टेप होता है, क्या क्या, सेविंग यानी कितना सेव करना है, ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, सेविंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है, और एक चीज़ होता है इसमें अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर में ये दिया होगा एक्सपेंडिचर, लेकिन क्या होता है, स्पेंडिंग होता है ना, सेविंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है, स्पेंडिंग होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या, जब आप स्पेंडिंग करेंगे तो 3 चीज़ के ऊपर आपको स्पेंडिंग करना होता है, देखिए पहला क्या है, बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स मतलब जैसे मान लीजिए आप फूड्स पे खर्चा करेंगे, जो आपको खाना है, कपड़ा के ऊपर खर्चा करेंगे, मेडिसिन, घर का रेंट देना है, ये सारा क्या है, बेसिक नीड्स। इसके ऊपर आपको खर्चा करना पहले, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसमें देना, सेकंड प्रायोरिटी आपको सेकंड प्रायोरिटी आपको देना वांट्स, मतलब जो आपको चाहिए, ठीक है। बेसिक नीड्स जैसे आपका फुल हो जाएगा उसके बाद मान लीजिए आपको अच्छा कपड़ा लेना है, बाहर घूमने जाना है, बाहर होटल में खाना है, ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना है, तो मूवी देखने जाना है, तो ये सारा क्या होगा, ये सारा वांट्स में आ जाएगा, तो सेकंड प्रायोरिटी में इसको देना है। और तीसरा प्रायोरिटी आपको देना है डिजायर। डिजायर कहने का मतलब
मतलब डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा। तो डिजायर मतलब जैसे मान लीजिए आपको महंगा बाइक खरीदना है, महंगा घर लेना है, महंगा कार खरीदना है, महंगा कपड़ा खरीदना है, महंगा जूता खरीदना है, ये सारा चीज़ क्या होगा, थर्ड प्रायोरिटी में आएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है यानी एग्जाम्पल ऑफ डिजायर, डिजायर आपको समझ में आ गया, जो एक्सपेंस जो ज़्यादा खर्चीला वाला होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन एन एक्सपेंसिव बाइक, ये क्या है, डिजायर का एग्जाम्पल है ना। व्हाइल स्पेंडिंग मनी लास्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया लास्ट प्रायोरिटी किसको देना है, लास्ट प्रायोरिटी डिजायर्स को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटेंशन टू मूव आउट ऑफ वन वन प्लेस टू अनदर फॉर बेटर जॉब। तो जो इंटेंशन होता है, जो किसी कोई पर्सन क्या करता है, एक जगह से दूसरा जगह जाता है बेटर जॉब के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको माइग्रेशन कहा जाता है। आप सुनेंगे माइग्रेंट वर्कर, लॉकडाउन के टाइम बहुत सुनेंगे प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर यानी माइग्रेंट वर्कर। तो एक शहर से दूसरा शहर जाते हैं काम करने के लिए ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। कंफर्ट जोन मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पर आप अपने आप को फील सेफ करेंगे, सॉरी सेफ फील करेंगे, वो आपका कंफर्ट जोन होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर आपको सारा सुख सुविधा मिलेगा, आप सेफ फील करेंगे। सपोज मान लीजिए जब आप क्लासरूम में रहते हैं, तो जब आप क्लास करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, टीचर को सुनते रहते हैं, तब तक तो आप सेफ फील करते हैं। लेकिन मान लीजिए टीचर आपको खड़ा करके कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये आपका क्या होता है, कंफर्ट जोन से आप बाहर हो जाते हैं। अगर आप रिप्लाई नहीं दे पाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कम्फर्ट जोन से बाहर। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सी ऑप्शन है, आवर फैमिलियर लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर इज आवर कम्फर्ट जोन, तो ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सम सिटीज हैव मोर अपॉर्चुनिटीज देन अदर फॉर सर्टेन जॉब रोल्स, तो किसी सिटी में क्या होता है, ज़्यादा जॉब का अपॉर्चुनिटी होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ दिस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल मूविंग टू न्यू सिटी और वर्क। तो जब आप किसी नए शहर में जाएंगे तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब किस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आप दूसरे सिटी में जाते तो आपको सैलरी क्या मिलेगा, यहाँ क्या सैलरी मिलता तो वहाँ क्या सैलरी मिलेगा, और एक्सपेंसेस कितना होगा, खर्चा कितना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा जब आप बाहर जाना चाहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप बाहर जाएंगे तो क्या क्या आपका खर्चा बढ़ेगा। देखिए रेंट बढ़ेगा और एकोमोडेशन बढ़ेगा। अगर आप यहाँ रहेंगे, अपना घर में रह के काम करेंगे, तो क्या होगा, आपको रेंट नहीं देना होगा, खाने का खर्चा नहीं होगा। अगर बाहर जाएंगे तो क्या होगा, रेंट का खर्चा होगा, एकोमोडेशन का खर्चा होगा, रहने का और खाने का खर्चा होगा। व्हिच अमंग दीज आर नॉट गुड मैनर व्हाइल ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी मान लीजिए सपोज आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या सही मैनर नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है कि अगर आपके पीछे कोई पर्सन बैठा हुआ है सीट में, और आप अपना सीट को पूरा पीछे कर लेते हैं, तो ये सही मैनर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर नॉट कंपलसरी रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो अगर आप बाहर ट्रेवल करने जाते हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रेवल करने जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। तो डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल में जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये था आपका एसेंशियल स्किल का 36 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।